शुक्रवार को मुंबई बैठक के दूसरे दिन जब तमाम नेता फोटो सेशन के लिए जुटे तो एक चेहरे पर सबकी नजरें टिक गई। वो चेहरा जो मीटिंग के पहले दिन तो नदारद था, लेकिन दूसरे दिन मीटिंग शुरू होने से पहले उस चेहरे की एंट्री ने सबको चौंका दिया। विपक्षी मीटिंग के दूसरे दिन जिस चेहरे पर सबकी नजरें टिकी थी वो चेहरा था कपिल सिब्बल का। अचानक से कपिल सिब्बल को मीटिंग में देख ही सवाल उठने लगे कि आखिर कपिल सिब्बल किस हैसियत से इस मीटिंग में आए हैं। क्या कपिल सिब्बल के आने की जानकारी कांग्रेस सहित विपक्ष के किसी दल के पास थी? कपिल सिब्बल किस पार्टी की ओर से आए थे, और या अगर आए थे तो क्या वो निर्दलीय हैसियत से आए थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्ष के फोटो सेशन के बाद मीटिंग से पहले गलियारों में लोगों के एक दूसरे से पूछ रहे थे। कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के अचानक पहुंचने के चलते कई कांग्रेस नेता नाराज नजर आए। हालांकि कैमरे के सामने किसी ने साफ तौर पर सिब्बल की एंट्री का विरोध नहीं किया। सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सिब्बल की मौजूदगी से सबसे ज्यादा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल उखड़े दिखे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नौबत यहां तक आ गई थी कि वेणुगोपाल ने इस बारे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी शिकायत की। कहा जा रहा है कि सिब्बल का नाम मेहमानों की सूची में नहीं था। हालांकि बाद में फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ने वेणुगोपाल को मनाने की कोशिश की। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार कपिल सिब्बल को फिर फोटो सेशन का हिस्सा बनाया गया और बैठक में उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल पिछले मई 2022 में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। यूपीए सरकार के दौरान तो कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन पिछले काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते थे जो पार्टी में सबसे ज्यादा चंदा दिया करते थे। दिल्ली की सियासत में उनका अहम रोल भी माना जाता रहा है। कपिल सिब्बल इस समय राज्यसभा से सांसद हैं। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से संसद पहुंचे हैं, लेकिन वो हमेशा सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि मैं निर्दलीय सांसद हूं, ना कि किसी पार्टी की ओर से। इंडिया की मुंबई बैठक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, टीएमसी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी के नेता शरद पवार, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे सहित कई नेता विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल हुए।